हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मेलवी शिवी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। बड़े दिनों बाद तो मेरे घरों में पराठे बन रहे हैं, क्योंकि विक्रम की अब तबीयत ठीक है, प्रॉपरली ठीक है। और यहाँ पे शिवी की भी तबीयत, शिवी को तो कोल्ड हो रखा था बेसिकली। वो तो मैडम पानी में जो खेलने का शौक़ है ना, उसकी वजह से हो रखा है। कितना भी डांट लो पिट भी जाती है अब तो कभी कभी मेरे हाथों से, क्योंकि मानती नहीं है। तो फिर एक हाथ लगाना पड़ता है बच्चों को सुधारने के लिए। यहाँ पे देखिए आलू पराठे इस तरीके से बन रहे हैं, और शिवी का ही मैं ये बना रही हूँ विदाउट मिर्ची। तो इस वजह से ये मेरा आगे पीछे, इसमें पहले प्याज भी मिक्स किया, आलू प्याज का बेसिकली पराठा है। तो ये मैंने बोल दिया कि ये शिवी का बन रहा है, तो ये तब तक खड़ी रही जब तक बना के लेकर नहीं गई। और यहाँ पर एक तरफ मैं चाय बना रही हूँ, और शिवी ने आलू के पराठे खाए बटर से और हम लोगों ने खाए चाय से। सोची थी हरी धनिया की चटनी बनाऊंगी, बट हरी धनिया विक्रम को जो है वो बहुत सूखा सूखा मिला, तो वो लेकर ही नहीं आए। तो चलिए आज आज बात करते हैं थोड़ा आगे आप लोगों से। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। ये मैंने डायलॉग मारा है, कौन सा रूबरू, मतलब मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं भूल गई। क्या चाहिए? यार इसने जब से मेरे घर में ना एक छोटा बेबी आया था अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों ने अभी खुद सुन लिया, और शिवी ने तब से रट लगा रखी है छोटा बेबी चाहिए, छोटा बेबी चाहिए, छोटा बेबी चाहिए। और छोटा बेबी इसको सब खेल, इसको खेलना और पीटने के लिए चाहिए। छोटा बेबी नहीं मिलेगा अभी, अभी आप खुद ही छोटे हो, छोटा बेबी क्या करोगे? मम्मा की पापा की बात तो मानते नहीं हो आप, और आपको छोटा बेबी चाहिए। और यहाँ पे अभी शिवी जो है, देख लीजिए ये होता है पूरे दिन। विक्रम गए हैं ऑफिस, और आज है 31 दिसंबर, इस साल का लास्ट दिन। लाइफ में कभी कभी सोचो, आज मैं आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, बहुत टाइम से ब्लॉग्स छोटे छोटे कभी कभी बना देती थी तो अपलोड कर लेती थी, बट बात बैठ के नहीं करती थी। लाइफ में जब हम कुछ सोचते ना कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा करेंगे, या फिर कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो ये चीज़ें जब आती है ना, और ये मेरी लाइफ में नहीं सबकी लाइफ में ही ये प्रॉब्लम दिख रही है पिछले 2 साल से। आप लोग समझ ही रहे हो कोरोना आ रहा है, और पहले साल में हमने बहुत प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए सब चीज़ की, फिर ईयर हमने फिर देखा फिर आया, तो कहीं ना आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे आता है तो हम लोग स्ट्रिक्ट वैसे ही सारे जो भी गवर्नमेंट बोलती है सब कुछ फॉलो करने लगते हैं, सब चीज़ मास्क एंड ऑल सब कुछ, मास्क तो जनरली लगाते हैं, बट भीड़ भड़के में पहले नहीं जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिए में तब जाना बंद कर देते हैं जब केसेस बढ़ जाते हैं, नहीं अदरवाइज वैसे हम फिर मॉल में भी जाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हर चीज़ करते हैं, क्योंकि आप हमेशा घर पर नहीं बैठ सकते, आपका माइंड सेट जो है ना, आपका मेंटल लेवल फिर और ज़्यादा आप स्ट्रेस में। एडमिशन भी हम लोगों ने अगस्त में करा दिया था, और अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर शिवी ने वहाँ पे क्लास ली, नवम्बर में यहाँ नोएडा से ली, ट्रांसफर करूँगी। बट मैं अगर एज अ टीचर भी देखती हूँ तो बहुत बच्चों को बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसे मैं जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल में भी ऐसी ऑप्शन है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी, सेम शिवी के में भी है, बट मैक्सिमम पेरेंट्स ने ऑनलाइन कर रखा है, क्योंकि बच्चों को वो मोबाइल फ़ोन नहीं देना चाहते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं देना चाहते, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते वो कहीं और स्विच हो जाते हैं, और बच्चे खो भी जाएंगे, और पेरेंट्स कब तक फोकस करो, और छोटे बच्चों के साथ पेरेंट्स को बैठना भी पड़ता है, तो ये भी एक हेडेक है, और ज़्यादा मदर्स ही सबके साथ बैठती है। अभी क्या है, मेरा जो स्कूल है और शिवी का जो स्कूल है, हम दोनों का विंटर वेकेशन पड़ा है, और मेरा थोड़ा 2 दिन पहले खुल रहा है, बट अभी मेल आई है कि मे बी शायद, जैसे लॉकडाउन तो नहीं लगा है, बट काफ़ी मेट्रो में 50-30% अप कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, 50 और कम कर दिया आई थिंक। और जैसे कि विक्रम के बीच में थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, फिर भी मैंने टेस्ट करवा दिया, मैंने बोला विक्रम को, हमने यही सोचा कि विक्रम जो है अभी वहाँ थे दिल्ली में, तो वहाँ पे वो अपने गाड़ी से जाते थे, बट यहाँ पे वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए भी और ऑफिस की सेफ्टी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी, सबको सोच करके ये हुआ कि हाँ 1-2 दिन फीवर था, हल्का फीवर था, बट था तो फीवर ना, इस बेस पे हम लोगों ने वहाँ पे सोचा कि ऑफिस वालों ने कहा कि टेस्ट करवा लेना, तो टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया, टचवुड सब कुछ सही था। और उनका बैक पेन तो इस वजह से होता है क्योंकि उनका एक बार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें उनको लग गई थी, और बात करती मैं यहाँ को मैं थोड़ी सी, हाँ अब तो बेसिकली क्या है, अब मेरे लिए चैलेंज ही इस बात का है कि शिवी घर पे रहेगी और मैं अगर ऑनलाइन क्लास लूँगी तो हमारे घर में महायुद्ध होगा मेरे और शिवी में, क्योंकि वो बिना बोले रहेगी नहीं, और मैं उसको चुप कराऊंगी या क्लासेस लूँगी, बहुत ज़्यादा हेडेक है इन सब चीज़ों का, बट देखते हैं। मैंने स्कूल में बात कर ली है, बिकॉज मैं शिवी को तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे रही हूँ, शिवी को ऑफलाइन जाएगा, भले वो 1-2 महीने स्कूल नहीं जाएगी कोई बात नहीं, घर पे मैं उसका हॉलीडे वर्क जो है और जो उसकी वर्कबुक है वो मैं करवाती रहूँगी मैम से बात करके कि वर्कबुक जो है, क्योंकि इसकी 3 वर्कबुक हैं और ये बहुत शैतान हो गई है, जितना लोग इसको सीधा समझते हैं ये इतनी सीधी है नहीं, बहुत शैतान हो गई है, तो कोई बात नहीं, बच्चे टाइम के साथ से चला देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, सुन रहे हो आप, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, आप शैतानी करते हो, आपको क्या टेंशन है, मम्मी और डैडी को टेंशन होती है और क्या, कुछ तोड़ना फोड़ना सब कुछ ये करना। यहाँ पे देखिए ये वॉल ना खराब हो रखी है और ये उसको निकालती रहती है बहुत, सबसे ज़्यादा तो ये मुझे गुस्सा आता है शिवी पे। तो अभी ये चैलेंज है और काफ़ी लोगों का फिर से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, बट स्टिल अभी विक्रम का तो ऑफिस जा रहे हैं वो। देखिए जैसे जैसे गवर्नमेंट का जो रूल आएगा जो भी आएगा उसके हिसाब से कंपनी तुरंत एक्शन लेती है, ऐसा नहीं है कंपनी की अच्छी है, शिविर नहीं उसको नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें तो हैं यार। मैं तो कल विक्रम से ये बात कर रही थी कि चलो मैंने तो अभी न्यू जॉब स्टार्ट की है, नहीं भी आगे मैनेज हो पाएगा तो चलो कोई नहीं, हमारे साथ कुछ नहीं। बट उनका क्या, जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हुए हैं या फिर जिन्होंने अभी सोचा है कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए, या फिर जो अपना डेली के अर्न करते हैं वो कैसे मैनेज करते होंगे, क्योंकि इस कोरोना ने सबका काफ़ी, पिछले 3 साल से ना मुझे ऐसा लग रहा है जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है इस कोरोना की वजह से। इस टिफिन में क्या है आपका, पीनट है, पीनट खाओगे आप? तो ये लो लाइफ में, बाकी नया साल है, नए साल में अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे ये करना है वो करना है तो मेरा मानना है जिस दिन जो करना है वो कर दो, नया साल का क्यों वेट करना है, किसी दिवाली होली का क्यों वेट करना। सारे दिन अच्छे होते हैं जब आप मन से काम करोगे तो हर चीज़ अच्छी होती है, और आपके अगर थोड़ा लक भी होता, अगर आपकी किस्मत में या लक है ही नहीं वो चीज़, तो वो चीज़ आपको कितने भी अच्छे दिन में आप मुहूर्त निकाल के करवा दोगे वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो देखिए फिलहाल मेरा ये एक, मेरी एक खुशी की बात, एक मेरी एक सैलरी आ जाएगी। ट्यूशन का मैं ये कहूँगी, ट्यूशन के बच्चों के लिए अभी मेरा यही सीन है कि अभी तो वो लोग भी भेज रहे हैं बच्चों को, बट आई थिंक जो है मैं सोच रही हूँ कि कोरोना ज़्यादा अगर वो हो रखा है तो मैं भी अपनी तरफ से मना ही कर दूँगी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बिल्कुल डिस्पे नहीं डालना तो वहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से, तो वहाँ ट्यूशन का भी मैं मना ही करूँगी। क्योंकि मना क्या, इन द सेंस कि अभी तो बच्चे आसपास के ही हैं, जब कोरोना थोड़ा ठीक होगा तो फिर आएंगे। अब यही है, पूरी तरीके से तो जा नहीं रहा, जैसे थोड़ा ठीक होता तो हम उसी तरीके से हम भी थोड़ा कहीं लगता है आने वाला टाइम पे शायद यही माइंड को सेट करना पड़ेगा कि हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये कोरोना तो हर साल आ जा रहा है। मैं तो इस बार ये सोच रही थी यार चलो अब तो डोज भी लग गई है, सब कुछ ठीक हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा जॉब अप का भी सोचा कि चलो ठीक है, और शिवी भी बड़ी हो रही है, थोड़ी समझदार हो रही है, मम्मी पापा सबकी बात मानती है, दोस्त फ्रेंड सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ जानने लगी है, बोलने लगी है, अपनी चीज़ें बताने लगी है, एक्सप्रेस करने लगी है, तो ये लगता था कि यार चलो ठीक है अब लाइफ को आगे बढ़ाते हैं अपने तरीके से। यहाँ पे हम लोग इसलिए शिफ्ट भी हो गए थोड़ा कि दोनों फैमिली के लिए आसपास है, अपनी तरफ से लाइफ जी रहे हैं, बस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और न्यू ईयर सेलिब्रेट कीजिए घर पे, कहीं पे भी कीजिए, बस सेफ रहिए और कुछ नहीं। शिवी आओ, बाय बाय कर दो, कम, नमस्ते, बोलो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, सबको किसी कर दो, आहा, चलो बाय बाय।